तो गाइस कल डेलविस भाई के लिए दिल्ली एडवेंचर आइलैंड में मीटअप रखा गया था, जहां कई यूट्यूबर्स क्रिएटर्स पहुंचे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो मीटअप पूरा नहीं हो पाया, बीच में ही बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ हैवी क्राउड। इतना क्राउड की वजह से पुलिस को ये मीटअप बंद कराना, एक झलक आपको अभी हम दिखा सकते हैं। पूरब झा ने भी क्या कहा आपको सुनिए। भाई मतलब इतनी ज्यादा भीड़ आई हुई थी और अनकंट्रोलेबल, मतलब कोई बंदा कोऑर्डिनेट ही नहीं करना चाह रहा, पुलिस वाले आ गए सब लोग। भाई मैं कल रात से मैंने सब कुछ प्रिपेयर किया था कि मुझे क्या करना है, क्या परफॉर्म करना है, कैसे आप लोगों के साथ मजे करने हैं, सब भाई सब बेकार हो गया। स्टेज तोड़ दिया भाई बंदों ने, मतलब लिटरली लाइट्स वाइट्स तोड़ दिए बंदों ने। भाई हम तुम लोगों के लिए आए थे यार, आ भी नहीं पाए, मिल भी नहीं पाए, हमारा इतना मन था। और इसी चीज को लेकर लक्ष्य चौधरी ने भी ट्वीट किया, ये होता है असली भाईचारा, 1 लाख लोग कल के मीटअप में आए, सबको दिल से थैंक यू। देन गाइस आपको बता दूं कि वोटिंग लाइन खुल चुकी है, सो जो भी आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है जल्दी से जियो सिनेमा में जाके आप उसको वोट करिए, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जिताइए। वैसे मल्टीपल वोट्स का ऑप्शन दे रखा है जियो वालों ने, बट एक आईडी से एक ही वोट वैलिड होगा, बट अगर मल्टीपल वोट का ऑप्शन है तो हो सकता है कि वो भी ऐड हो जाए, सो वो भी आप करते रहना। देन गाइस एल्विस और फुकरा भाई में थोड़ी कहा सुनी हो गई थी, बात ये था कि एल्विस वाइल्ड कार्ड वाली बात को लेकर पूजा भट्ट से बोलते हैं कि अभिषेक ने कहा कि वाइल्ड कार्ड जितना डिजर्व नहीं करता, उस पर मैंने बहुत सोचा और कंक्लूजन ये निकला कि अभिषेक मुझसे 4 हफ्ते पहले आया और मैं बाद में, पर अभिषेक मेरे आने से पहले भी वही कर रहा था जो अभी कर रहा है, कोई चेंज तो मैंने देखा। खुद से सोचो कि तुमने अलग क्या किया, मैं तो समझो बाद में। देन वहां फुकरा इंसान भी उनकी बातें सुनते हैं और कहते हैं कि तू बस स्टैंड लेने के लिए स्टैंड लेता है। देन एल्विस बोलते हैं कि कहां लो स्टैंड, कहीं भी रख दो अपना ओपिनियन, कहीं भी ले लो स्टैंड, अपना ओपिनियन जहां मुझे ठीक लगता है मैं वहां पे रखता हूं, तू अलग इंसान है मैं अलग इंसान हूं, तेरा सोचना अलग है मेरा सोचना अलग है। देन फुकरा भाई जी और मनीषा से भी एक बात बोलते हैं कि एल्विस में इनसिक्योरिटी आ गई है कि अभिषेक को ऐसा कैसे बोल दिया, घर में यही बंदा पूजा जी को बोलने का दम रखता है, वो बोलता है कि टक्कर तब होती है जब पूजा जी से सब डरते उसी तरह अभिषेक से भी कोई डरता। एल्विस को मैंने बोला कई बार कि अपना ओपिनियन दे, मैंने छोटे लोग वाली बात पे भी बोला उसे, फिर वो पूजा जी के पास गया बोलने, खुद की फट जाती है पूजा जी को बोलने में। देन वहीं एल्विस आते हैं और फुकरा इंसान उनसे कहते हैं एल्विस गधे जैसी सोच है तेरी, आपके पास बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होगी, आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बट मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, आई फील लाइक विनर, आई प्ले लाइक विनर और जितना डिजर्व करता हूँ। देन एल्विस उनकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ कोई मूंगफली छीनने नहीं आया हूँ, तूने खुद ही सोच लिया सब और सामने वाले को वर्दी नहीं समझा सिर्फ इसलिए क्योंकि तू 4 हफ्ते पहले आया है, भाईचारे में तूने मुझे गधा बोल दिया, अब दोस्ती यारी खत्म करके मुझे सेम चीज बोल के कोई दिखाए, मैं इन सब चीजों को लाइटली लिया क्योंकि तू भाई है, मैं फ्रेंडशिप की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इससे कोई हेट मत फैलाना गाइस, ये बस एक छोटी सी नोक जो है जो कि दोस्ती में होती है। सो गाइस कल जिया का भी सफर इस घर में खत्म हो गया, वो भी फाइनली एलिमिनेट हो गए इस घर से और अब फाइनली हमारे टॉप 5 फाइनलिस्ट हमें मिल चुके हैं और इन्हें आपको अब जो भी आपका फेवरेट हो उन्हें वोट देके जिताना है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। टिल देन चेंज ऑन द मैटर, गुड बाय।